Hi guys, you are watching Serial Siapa, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सम्राट नयनतारा से पूछता है कि क्या वो उसकी फैन है। तभी नयनतारा कहती है कि नहीं, मैं कोई फैन नहीं हूँ और वैसे भी तुम्हारी गलती से आज मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तभी वो वापस आती है और उसे रुमाल देती है मोड़कर, क्या तभी वो समझ जाता है कि वो रो रही थी लेडीज वॉशरूम में, ये वही लड़की है। उससे कहता है कि तुम हमेशा मुझे क्यों ब्लेम करती हो, आखिर तुम्हारा इशू क्या है। तभी वो अपनी प्रॉब्लम उसे बताती है। तभी यहाँ पर सम्राट आता है उसके करीब और उसका मुँह बंद करता है और कहता है कि बस अब ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। वो उससे कहता है कि तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैं बस अपना जॉब कर रही हूँ। वो उसे देखता है, उसे पैसे देता है मसाज के और कहता है लो इसका तुमने मेहनत किया है इसलिए तुम रख सकती हो, और वो पैसे रख लेती है। वो कहता है लेकिन तुम लेक्चर बहुत देती हो और लेकिन तुम भी सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रही हो ना। तभी उससे वो कहती है कि हाँ ये पैसे मैंने कमाए हैं अपने हार्ड वर्क से और मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और वो कहती है कि बस मैं यही उम्मीद करूँगी कि तुमसे मेरी कभी मुलाकात दोबारा ना हो। और वो उससे कहती है कि बस अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ईशानी अपना डांस कम्प्लीट करती है ऑडिशन में। मोहित कहता है कि तुम तो सुपर डांस करती हो लेकिन तुम सम्राट का डांस ट्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ लंदन लोकल्स को ही हायर करते हैं। वो कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा अगर हम इंडिया आए कभी सम्राट के कॉन्सर्ट के लिए। वो कहती है कि अब क्या होगा, मैं अपनी फैमिली की हेल्प कैसे करूंगी। बाद में नयनतारा उसे 15,000 रुपये देती है मालती को। ईशानी भी 15,000 रुपये देती है मालती को। मालती पूछते ईशानी से कि तुमने ये पैसे कैसे अरेंज किए। ईशानी कहती है कि मैंने डांस ट्यूशन दिए थे कुछ स्टूडेंट्स को। दादी दोनों बेटियों की तारीफ करती हैं। मालती प्रार्थना करने जाती है और फिर रेंट पे करती है। नयनतारा ईशानी को अंदर ले जाती है और कहती है ये पैसे कहाँ से आए। ईशानी कहती है कि मैंने अपना फ़ोन बेच दिया जो मिस्टर बोस ने मुझे दिया था। नयनतारा कहती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू ईशानी। तभी वो कहती है कि ईशानी सम्राट का डांस ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकती है क्योंकि यहाँ पर उसकी जो सिटीजनशिप है वो लंदन की नहीं है। तभी वो कहती है कि डोंट वरी तुम्हें और भी चांस मिलेंगे और थैंक गॉड ईशानी ने सम्राट का डांस ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। दूसरी तरफ आलिया इंट्रोड्यूस कराती है कियारा को सम्राट और मोहित से। कियारा कहती है कि आई एम ग्लैड कि आलिया तुम ये मेरी शादी अटेंड करने के लिए आई। तभी वो कहती है कि हाँ तुम फार्म हाउस में रहना। कियारा की मॉम इनवाइट करती है मालती को कियारा की शादी के लिए। मालती कहती है कि हाँ मेरी बेटियां हैं जो इस शादी को अटेंड करेंगी। तभी वो कन्विंस करती है कि ठीक है किसी को मत बताना कि वो बहनें हैं। कियारा कहती है आलिया से कि ठीक है मुझे चाहिए सम्राट की परफॉर्मेंस मेरी शादी में। वो कहती है मीडिया अलाउड नहीं है सो आलिया तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालती अपनी बेटियों का इंट्रोडक्शन कराती है कियारा की माँ से। नयनतारा पानी पीने के लिए जाती है। कियारा की माँ पूछती है सम्राट से कि तुम एक एनवलप दो उसके हस्बैंड को। कियारा की फैमिली सम्राट को काम करने के लिए मनाती है। सम्राट मोहित से कहता है कि इन्होंने तो क्या अपना सर्वेंट बना लिया है। मोहित कहता है कि अरे नहीं भाई उन्होंने हमें अपना फैमिली मेंबर बनाया है। तभी एक औरत आती है मोहित से कहती है कि आप हमारे लिए काम करते हो ना तो इधर आओ। सम्राट तभी टकरा जाता है नयनतारा से और हल्दी उनके ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फिर से शॉक हो जाते हैं कि अभी तो कभी ना मिलने की बात कही थी और ये यहाँ पर फिर से टकरा गए। वेल यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.